नमस्कार, मैं उस्मान अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से। जनपद रायबरेली के थाना हरचंद्रापुर में दो पक्षों में हुई खूनी संघर्ष। जनपद रायबरेली में थाना हरचंद्रपुर के अंतर्गत टिकवा पोस्ट डिघरा गांव के अंतर्गत दो पक्षों में हुई खूनी संघर्ष। जानकारी के मुताबिक टिकवा पोस्ट डिघरा थाना क्षेत्र के हरचंद्रपुर के अंतर्गत प्रमोद कुमार पासी व हरिलाल के बीच कुलाड़ी व फावड़े से जमकर खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें तकरीबन 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अनफाने में पहुंची पुलिस ने दो पक्षों को घायलों को बरछावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराएगा, जिसमें 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनके रायबरेली जिला चिकित्सालय अस्पताल में रेफर कर दिया गया। थाना हरचंद्रपुरा द्वारा अग्रिम कार्रवाई जारी, दोनों पक्षों की तहरीर दर्ज कर ली गई। घायलों को रिलीफ मिलते ही कार्रवाई थाना हरचंद्रपुरा द्वारा की जाएगी। मोनो सिंह की खास रिपोर्ट। क्या हुआ? राम दिन के दरवाजे हमारे पति पूछ के राम दिन से मोहरम गिरवा दी थी और 10-15 दिन हुए और वो बोला दारू पी के गाली दे रहा था। और फिर हम बोले कहीं से इसी वक्त उठा लो, तो हम परसों रात को 11-12 बजे तक उठाया। तो खैर बाकी थोड़ा ईटा सड़क पे लगा था, तो उसी को उठा लेने की झगड़ा होने लगा। थोड़ा पूरा ईटा उठा लिया, थोड़ा ईटा बचा लिया, 300 तो हमारे पति को मारा। फिर दूसरे की जगह पे थोड़ी मिट्टी आग लगी थी और उसको रेडी लेके हमारे पति और हम ढो रहे थे, तो अपने पुराने वाले मकान में लगा रहे थे, थोड़ा सड़क के किनारे थोड़ा जगह छोड़ के। और बस रामदीन और